भाई व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। सो भाई वाचिंग लास्टिंग चड्ढा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शो एंड सबसे पहले तो बोलना चाहता हूँ, देखो मैंने हेटर्स को बोला था कि जो सिनेमा लवर्स है ना, जो आमिर खान लवर्स है, जो आमिर खान के सपोर्टर है, जो इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करते ना, वो इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। एंड देखो यार, इस मूवी का मेरा तरह ना बेसब्री से इंतजार भरा हुआ है। एक्चुअली कल मैं देख रहा था कि भाई पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे दो दिनों से ना एक ही चीज की बात हो रही है, वो हो रही है शाहरुख खान का जो कैमियो रोल होने वाला है ना इस मूवी के अंदर, उसके बारे में। यार शाहरुख खान साहब आप देखो लाल सिंह चड्ढा में, उसके बाद आई थिंक ब्रह्मास्त्र में भी देखने को मिलेंगे। शाहरुख भाई की तीन बड़ी बड़ी मूवी आने वाली है, मतलब शाहरुख भाई एकदम मचान कर रहे हैं। टाइगर थ्री के अंदर शाहरुख खान होंगे भाई, मतलब जब से मैंने सुना है शाहरुख खान का कैमियो रोल है ना इसके अंदर, मैं सोशल मीडिया यूज करना कम कर दिया, क्योंकि भाई लोग उसका जो क्लिप है, शाहरुख खान का जो क्लिप है ना, उसको भाई लीक कर रहे हैं। मैं जगह जगह देख रहा हूँ भाई शाहरुख खान का वो कैमियो रोल चल रहा है ताकि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो जाए। मेरे को नहीं समझ आता ऐसा क्यों करते हैं लोग यार। बाकी देखो मैंने यार, देखो पहली बात तो यार ये मूवी का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, मजा आएगा इस मूवी को देखने में, मजा आएगा। एंड इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, मैंने आपको बोला था 15 करोड़ प्लस जाने वाला है, 15 करोड़ से ऊपर ही जाएगा इंडिया का कलेक्शन इसका, तो एक अच्छा कलेक्शन होगा। बाकी आमिर खान की बात करें तो भाई आमिर खान 4 साल के बाद आ रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली भाई आमिर खान की मूवी का क्रेज तो होता ही है। एंड देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मूवी देखो अगर अच्छा होगा ना डेफिनेटली चलेगा। ये मूवी रीमेक है फॉरेस्ट गंप का, बट वो रीमेक नहीं बोलेंगे, उससे इंस्पायर्ड है, बिकॉज वो हॉलीवुड कल्चर में बनी है, इंडियन कल्चर में बनी है, तो जमीन और आसमान का फर्क है। जो इसको रीमेक के नाम पे इसको बायकॉट करे ना, सबसे बड़े चोद हुए। बाकी ये मूवी का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, इसको देखने जा रहे हैं हम। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करो ताकि हम इंडियन सिनेमा को एंड आमिर खान को स्पेशली सपोर्ट कर सके, हम रक्षाबंधन अक्षय कुमार को सपोर्ट कर सके, ब्रह्मास्त्र, कार्तिकेया 2, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ रही है, तो उनके हेटर्स भी आएंगे, उनको सपोर्ट भी करना है। बाकी आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने लाल सिंह चड्ढा देखिए तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ आपको कैसी लगी। इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लाल सिंह चड्ढा का कितना आ सकता होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी भाई इस मूवी का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मजा आएगा, बिकॉज आमिर खान, नागा चैतन्य, एंड उसके बाद भाई आप देखो शाहरुख खान का कैमियो रोल, करीना कपूर, भाई मजा आने वाला है। एंड एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, साउथ के सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर, मतलब इतने लोगों ने इस मूवी को देखा है, सबने मूवी की तारीफ ही की है, तो भाई सब तो झूठ बोलेंगे नहीं, डेफिनेटली मूवी अच्छी होगी। आई होप कि हमको भी पसंद आएगी। सो आप वेट करो एंड हमारे रिव्यू का वेट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।